जी बिसमान राहिम दिस इज़ मी वली चीमा फ़्राम नाइन्टी टू रेजिडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खरीत से होंगे जनाब थोड़ी सी अपडेट आपके लिए एक लेके आए हैं डी एच ए गुजरा वाला के रिलेटेड इस टाइम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जी ब्लॉक बनता है आपका ठीक है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो की थी ऑन साइट की उसके अंदर तब ये रोड के ऊपर कह लें कि ये कंक्रीट वगैरह सॉरी ये सड़क वाला मटीरियल जो नहीं था डला हुआ और ये अब आप देख सकते हैं रोड्स की क्या पोजिशन है ये बेसिकली ये स्ट्रीट्स हैं सेवरेज का निज़ाम हो चुका है तो सारा उसके बाद पानी वाली टैंकी आप अगर उस तरफ से दिखा सकें वो भी अपने आखिरी मराहल के अंदर है और ये गलियाँ शलियाँ बन गई हैं और अगर इस तरफ भी दिखाएँ सारा ये सारी तकरीबन कह लें कि स्ट्रीट्स बन चुकी हुई हैं और अब नेक्स्ट ये है कि डी एच इस साल के अंदर ये पोजेशन देने जा रहा है तो आई होप सो कि डी एच ए की कमिटमेंट यही है कि वो इस साल के अंदर वो बना लेंगे और उम्मीद है कि इन शाला आप लोगों को पोजीशंस जी ब्लॉक वालों को और सी ब्लॉक वालों को इस साल के अंदर मिल जाएंगे नाइन्टी टू रेजिडेंट्स के साथ आप शुरू से अटैच हैं तो हम लोग तमाम आपके लिए अपडेट्स ऑन साइट की लेके आते रहे हैं हमेशा तो हमेशा के लिए यही हमारा होता है कि हम हर मंथ की इवन के वीकली भी हम लोग आप लोगों को अपडेट्स देते रहे हैं अगर उस तरफ देखेंगे वो सी ब्लॉक है पाँच मरले का ब्लॉक है जी ब्लॉक के अंदर आपको मिलता है कनाल के प्लाट्स आपको मिलेंगे इसके अलावा दस मरले के प्लाट्स मिलेंगे रेट्स की बात करता चलूँ तो इस टाइम रेट यहाँ पर कनाल का जो नॉर्मल प्लाट है जो कि कैटेगरी प्लाट नहीं है वो तकरीबन आपको 95 तक मिल जाता है और इसके अलावा इनके डिवेलपमेंट चार्जेस जो हैं वो तकरीबन बत्तीस लाख हैं जो आपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देने हैं और अगर कोई कैटेगरी के प्लाट केगा कोई कॉर्नर किएगा या कोई मेन बुलेवार्ड का प्लाट होगा तो वो ज़रा कॉस्टली है वो तकरीबन सवा करोड़ रुपए तक आपको मिलता है कैटेगरी प्लाट पार्क के सामने ये वो रिहाइश के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है जनाब डी एच ए और इन अब आप आपको इस साल के अंदर अंदर ये सी ब्लॉक का और ये जी ब्लॉक का आपको पोजेसन होता हुआ नज़र आएगा अभी इधर सिर्फ जो काम रह गया वो एक मुझे जो नज़र आ रहा है एक इलेक्ट्रिक का काम रह गया और बाकी यह है कि रो गलियाँ वगैरह आपके सामने हैं फिनिशिंग एक इसको देने देगी डी एच ए तो मजीद बेहतर हो जाएगा ठीक है और इसके अलावा ये है कि कमर्शल इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है कमर्शल्स की क्योंकि कमर्शल्स के पोजेशन कुछ है, हैंड ओवर किए गए हैं बड़े प्लाट्स के आठ मरला मेन बुलवाट सीजेड टू वो मेन गेट से आप जब एंटर होते हैं आपके लेफ्ट राइड पर सीज टू चल रहा होता है राइट right साइड पे आपके सीजेड टू नॉर्थ है लेफ्ट साइड पे साउथ है तो वहाँ पर इस टाइम जो बड़ा कमर्शियल है वो तकरीबन आठ करोड़ रुपए तक डिमांड की जाती है तो कह लें कि वो बीस पच्चीस लाख रुपया नीचे ऊपर करके डील एक कर, अच्छी डील बन जाती है और अगर आप चार मरले का कमर्शियल देखते हैं तो तकरीबन ढाई करोड़ से स्टार्ट होता है और तीन सवा तीन करोड़ तक उसके कह लें कि दिया जा रहा है और बाकी एक डी ने अनाउंसमेंट की है कि जो फ़र्स्ट वो मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ इन्होंने कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन डेढ़ साल में अपनी कंप्लीट करेंगे उनके कुछ चार्जेस को ये वेव ऑफ़ कर रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस को वेव ऑफ़ कर रहे हैं तो बड़ा एक अच्छा जनाब इन्वेस्टमेंट का बन सकता है अगर मैं बताता चलूँ आपको कि डी के जितने अभी जो वहाँ पर ऑफिसेज़ बनेंगे ना तो आपको बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर्स प्रॉपर्टी की मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं वो आपसे रेंट पर ले लेंगी अभी अगर मैं बताता चलूँ मेन जे रोड के ऊपर जो है ना मेन जे रोड के ऊपर जो ऑफिसेज़ डीलर्स ने खरीदे हुए हैं नॉर्मल नॉर्मल वो कह लें कि भेड़ी भैड़ी सी दुकानें हैं वहाँ पर लाख सवा लाख रुपया रेंट चल रहा है तो जब ये पोजेशन देगा डी एच ए वहाँ पर प्लाजा बनेगा तो ये तमाम डीलर कम्यूनिटी आपकी सबसे पहले मूव होगी डीलर कम्यूनिटी वो जब मूव होगी अगर वो बाहर वो थकड़ दुकानों का किराया अगर वो एक लाख रुपया दे रहे हैं तो ये ओबियसली सी बात है कि यहाँ पर डी एच ए के अंदर जो आपकी बिल्डिंग का जहाँ पर वो सवा लाख है तो यहाँ पर कम अज़ कम डेढ़ लाख से ऊपर ही होगा इससे कम नहीं होने लगा तो एक चार मरले का अगर आप कमर्शियल बनाते हैं तो कह लें कि अगर आपने ढाई करोड़ का वो ख़रीदा है ऊपर कंस्ट्रक्शन आपकी करके पाँच करोड़ में अगर आपको वो कॉस्ट कर रहा है तो उस पर आपकी कह लें जो आपको रेंट इनकम है ना वो मिनिमम कह लें कि फाइव लैक है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए साथ तो वो प्राइस इंक्रीज़ करता जाएगा साथ आपको रेंटल अमाउंट बहुत अच्छी देगा वो आठ मरले का इसी तरीके से आठ मरले का अगर आप बनाते हैं तो वो कम अज़ कम आपको कह लें कि दस को लाख रुपये आठ दस लाख रुपये आपको रेंटल अमाउंट की ज़ुमरे में आएगा इसी तरीके से और बाकी नाइन्टी टू रेजिडेंस का पेज लाइक कर लें पेज को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस ऑन साइट वीडियो आप तक मिलती रहे रेट्स अपडेट्स आपको मैं देता रहूं तो पाँच मरल सी ब्लॉक का अगर मैं बताता चलूं तो इस टाइम तकरीबन 40 लाख रुपए का नॉर्मल प्लॉट है ठीक है अगर अच्छे प्लाट की तरफ जाएंगे तो पचास लाख रुपए का भी प्लाट वहाँ पर अवेलेबल है तो आ, बड़ा अच्छा मौका है जनाब इन्वेस्टमेंट का डी एच अभी यही टाइम होता है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद तो रेट्स फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पॉइंट से बाहर हो जाते हैं तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फॉरेनर्स हैं कह लें कि बायर का क्लाइंट ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज़्यादा हैं तो उनके लिए तो ज़रा आसानी ये भी हुई हुई है कि उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है और यहाँ पर रेट्स भी कम है तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन मौका है हमें आप कॉल करें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको एक दो तो चैनल्स हमारे मिलती रहती है इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट करें हम लोग इन आपको तमाम कंसल्टेंसी विदाउट एनी चार्जेस देते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेव रखते हैं तो आज के लिए इतना ही बाकी नाइन्टी टू रेजिडेंट्स को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जिसका प्लान बन रहा हो इन्वेस्टमेंट का हम लोग कोई भी आपसे इन शाला को हिडन चार्जेस नहीं रखते हैं किसी किस्म का नहीं है डी एच ए गुजरावाला के अंदर नाइन्टी टू रेजिडेंट्स एक टॉप क्वालिटी का, का काम करता है हम लोग आपको सेल्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं अगर आप लोगों में से कोई बंदा अपना घर बनवाना चाह रहा है वो हम लोग उसको प्रॉपर एक डिज़ाइन भी देंगे और प्रॉपर एक कह लें कि स्टेटमेंट बना के कि इस पर कितनी लागत आनी है क्या डिज़ाइन होगा किस तरीके से तमाम फैसिलिटीज़ आपको एज अ बिल्डर भी 92 टू प्रोवाइड करता है ठीक है जी मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ